गरुड़ पुराण पाठ किसी परिजन की मृत्यु के पहले या कभी भी पढ़ा जा सकता है जो व्यक्ति इसे पढ़ने की इच्छा रखता है वह इसे पढ़ सकता है पवित्रता और शुद्ध मन के साथ गरुड़ पुराण का पाठ किया जा सकता है डॉ गरुड़ पुराण में स्वर्ग नरक पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है उसमें ज्ञान विज्ञान नीति नियम और धर्म की बातें हैं गरुर पुराण को सनातन धर्म में अठारह महापुराणों में से एक माना जाता है गरुर पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। हिंदू धर्म में कुल अठारह पुराण हैं, उन्हीं में से एक गरुर पुराण है जिसमें कुल अठारह हजार श्लोक और दो सौ इकहत्तर अध्याय है गरुर पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुण पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बिछुए संवाद का वर्णन किया गया है मित्रों अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्युशया पर होता है तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है और यही सब देखकर लोगों के मन में भय बैठ जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ ही कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है परंतु मित्रों सच यह नहीं है क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरू में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे बताया गया है जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या यश सौंदर्य लक्ष्मी विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है सुनता है अथवा सुनाता है या जो इसको लिखता है अथवा लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है गरुर पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो अपने माता पिता या संतान को दुखी करते हैं वो अगले जन्म में धरती पर जन्म नहीं ले पाते बल्कि इससे पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है ऐसे लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं या कराते हैं वो अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होते हैं और शारीरिक कष्ट में जीवन बिताते हैं डॉट जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म अर्थ काम और मोक्षन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो उसको पुत्र कुंवारी कन्या को सज्जन पति क्षेमार्थी को क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है विद्यार्थी को विद्या विजयगोषु को विजय ब्रह्महत्यादि से युक्त पापी पाप से मुक्ति को प्राप्त होता है इतना ही नहीं मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति अपना मंगल गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण धन्य है यह तो सबका कल्याण करने वाला है जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का क्षय हो जाता है इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है विष्णुधर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरण्य हैं और वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है यह सभी पापों का विनाश करने वाला एवं सुनने वाले की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है इसका सदैव पाठ करना चाहिए जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है यह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है तो मित्रों अब आप ही बताइए कि ऐसे ये कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज हो या उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है साधारण लोग गरुण पुराण को पढ़ने से डरते हैं क्योंकि गरुण पुराण को किसी के मृत्यु के पश्चात ही पढ़वाया जाता है वास्तव में गरुण पुराण में किसी के मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है ज्यादातर लोगों ने पुराण को मृत्यु के बाद ही पढ़ते हुए देखा है तब कुछ लोगों के मन में यह भय बन जाता है परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है इसे जब चाहे व्यक्ति पढ़ सकता है मित्रों अगर मेरी माने तो ये महज एक भ्रम है और कुछ भी नहीं इसलिए बिना किसी भय के अगर संभव हो तो इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण का नियमित पाठ करने से सबसे बड़ा यह लाभ कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों को बड़ी ही आसानी से समझ सकता है क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया अर्थात बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलाने वाली यातनाओं के बारे में भी बताया गया है यानी ये कहा जा सकता है कि इस पुराण में वर्णित बातों को यदि संपूर्ण मानव जाति खुद में आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है आज की इस प्रस्तुति में बस इतना है ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए